इसराइल के समर्थन में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भीड़ पहुंची। आईडीएफ के समर्थन में नारेबाजी की गई, लेकिन इस रैली से जुड़ा एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। फिलिस्तीन समर्थकों ने दावा किया है कि डॉलर देकर रैली के लिए भीड़ जुटाई गई। आखिर कैसे गाजा को लेकर शुरू हुआ प्रोपेगेंडा जंग, देखिए। अब तक गाजा पर इसराइल के हमले को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, आईडीएफ के बारूदी एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर था। अपने ही मुल्क के सैनिकों के खिलाफ इसराइल के लोग भड़के हुए थे। मगर पहली बार अमेरिका में इसराइल के समर्थन में रैली की गई। वॉशिंगटन में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग आईडीएफ के समर्थन में सड़कों पर उतरे और इसराइली सेना की कार्रवाई को जायज ठहराए। वैसे भी इसराइल हमास जंग को लेकर दुनिया के कई मुल्क दो हिस्सों में बटे हैं। कोई इसराइली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को जायज ठहरा रहा है, तो कोई गाजा में मची तबाही के चलते इसराइल के खिलाफ खड़ा है। मगर अमेरिका में इजरायली सेना के समर्थन में जो रैली हुई है, उसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये कि वॉशिंगटन में इजरायल के समर्थन में रैली प्रायोजित थी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटाने के लिए डॉलर बांटे गए। हर प्रदर्शनकारी को करीब $250 दिया गया। आपको बता दें कि फिलिस्तीन से जुड़े समर्थकों ने बाकायदा स्क्रीनशॉट जारी करते हुए ये दावा किया है कि यूएस कैपिटल में इसराइल के समर्थन में जो रैली की गई, वो सीधे तौर पर प्रायोजित थी। $250 देकर प्रदर्शनकारी जुटाए गए, भीड़ इकट्ठा की गई, जिसमें भारी तादाद में कॉलेज स्टूडेंट थे, और फिर इसराइली सेना के समर्थन में नेतन्याहू के सपोर्ट में नारेबाजी हुई। ऐसे में सस्पेंस बढ़ गया है कि फिलिस्तीन समर्थकों का दावा सही है, सबूत के तौर पर पेश किया गया स्क्रीनशॉट सही है, या फिर इसराइल के समर्थन में जुटी भीड़ सही है। जो भी हो, इसराइल हमास जंग की तरह विरोध प्रदर्शन को भी लेकर सियासत और गुटबंदी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।